हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दान के ऊपर। दान क्यों दिया जाता है और क्या महत्व है दान देने का। दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का पालन करते हैं बल्कि समाज एवं प्राणी मात्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। किंतु दान की महिमा तभी होती है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है। अगर कुछ पाने की लालसा से दान किया जाए तो वह व्यापार बन जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि देना उतना जरूरी नहीं होता जितना कि देने का भाव। अगर हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं लेकिन देने का भाव या इच्छा नहीं है तो वह दान झूठा है, वो दान आपका नहीं लगने का बिल्कुल भी। इसी प्रकार जब हम देते हैं तो उसके पीछे यह भावना होनी चाहिए कि यह पुण्य का काम है और हम दे रहे हैं, हमारी नज़र उस पर नहीं होनी चाहिए। एक तरह का सौदा नहीं होना चाहिए मन में कि हमें कुछ मिले। दान का अर्थ होता है देने में आनंद, एक उदारता का भाव, प्राणी मात्र के प्रति एक प्रेम, दया का भाव। किंतु जब वह इस भाव के पीछे कुछ पाने का स्वार्थ छिपा हो तो वह दान नहीं होता है। दान वह होता है जो हम गुप्त तरीके से दे दें और किसी को पता भी न लगे। गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, तो हमें कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दान करें, पूर्वमुखी होकर दान करें और लेने वाला उत्तरमुखी होकर ग्रहण करना चाहिए उसको। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की आयु भी क्षीण नहीं होती। स्वयं जाकर दिया हुआ दान उत्तम होता है, घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम होता है। जब गौ और ब्राह्मण और रोगियों को कुछ दिया जाए तो उस समय यदि कोई व्यक्ति उसे ना देने की सलाह देता है तो वह दुख भोगता है। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, संया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान मृत्युपरांत के कष्टों को नष्ट करता है। दीन, अंधे, निर्धन, अनाथ, गुंगे, जड़, विकलांग तथा रोगी मनुष्य की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका पुण्य महान होता है। और विद्याहीन ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, इसलिए दान से ब्राह्मण की हानि होती है। जो मनुष्य अपनी स्त्री, पुत्र और परिवार को दुखी करके दान देता है वह दान जीवित रहते हुए भी एवं मरने के बाद भी दुखदायी होता है, तो इस प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। गाय का दान, स्वर्ण का दान, चांदी का दान, कन्या, तिल, हाथी, घोड़ा, सैया, इन सब चीज़ों का दान बहुत अच्छा माना जाता है। महादान में आती है इसकी श्रेणी। तो दान ऐसी चीज़ है जो हमें दुगना होकर मिलता है, दुगने से तिगना चौगना होकर मिलता है। दान कभी हमारा खाली नहीं जाता है बल्कि हमारे पूर्व जन्म से और भी पिछले जन्म तक काम आता है। जब कहते हैं कि हमारा अगला जन्म किसी रहीस घर में हुआ, ये हमारे दान का होता है फल कि हमें या तो इस जन्म में मिल जाता है या फिर अगले जन्म में इसका फल मिलता है। मिलता जरूर है, दान दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता है। तो लेकिन निस्वार्थ दान देना चाहिए। बात कर लेते हैं दान की कथा के बारे में। आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि दान की क्या अहमियत होती है। सुनिए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे आगे वीडियो आपको मिलती रहें। एक भिखारी था, वो सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए। इस टोटके या अंधविश्वास के कारण कि भिक्षा टन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को भी लगता है कि इसे पहले से भी किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसे देश के राजा की सवारी आती हुई दिखती है। देने से कोई चीज़ कभी घटती नहीं, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, उसका जीवन सवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो सांसें ही अटक गईं।
लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पूर्ण याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने दो दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से दो दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य का सीमा नहीं रही। जो वह अपने साथ झोली में ले गया था उसके दो दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में नहीं आया कि यह दान की महिमा के कारण हुआ। वह पछताया कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ दे दिए होते, लेकिन दे नहीं सका क्योंकि उसकी नियति नहीं थी, उसकी देने की आदत उसमें थी नहीं। कहते हैं जो दान करता है वो कभी भी खाली नहीं जाता है, हमेशा दुगना करके लौट के आता है। दान पुण्य करने से हमारे जीवन सुखमय होता है और हमारे घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे आगे वीडियो आपको मिलती रहे, और कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा।